नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी का ये खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा का जो समय है बहुत नज़दीक आते जा रहा है। इस बीच में हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लेकर आए हैं ताकि आपका एक सटीक रिविज़न हम लोग यहाँ पर करवा सकें। जो नए बच्चे हैं एक बार फिर से उनको शेड्यूल बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। फेज़ वन में हमारा डेली बेसिस पे 3 वीडियोज़ आप लोगों के लिए आ रहा है। सुबह 8 बजे आप लोग निखत मैम के साथ में पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद शाम को 5 बजे मेरे साथ छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर, और इसके बाद रात को 8 बजे सत्येंद्र सर के साथ में आप लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फेज़ वन खत्म हो जाएगा आपका लगभग 8 जनवरी के आसपास, उसके बाद हम लोग फेज़ टू स्टार्ट करेंगे और जो बाकी के सब्जेक्ट्स बच गए हैं वहाँ पर हम लोग करेंगे। संडे आप लोगों के लिए स्पेशल रहेगा, इसमें हम लोग डेटा करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के, और इसके अलावा 5 बजे संडे का एक इम्पॉर्टेंट सेशन होगा लाइव डाउट क्लास का, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर के करवाऊंगा वो तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा। आप लोगों को करना ये है कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जाएंगे उस क्वेश्चंस को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पहले पढ़ लिया है तो रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपने कितने क्वेश्चंस में से कितना सही किया है। बस आप लोगों को इतना काम करना है, और जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो भले आपने पढ़ लिया है तो भी, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी, इन क्वेश्चंस को छोड़कर बिल्कुल मत जाना, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन है सुपोषित जननी, विकसित धरणी, मोर बेटी मोर अभियान, नारी शक्ति अभियान, या फिर ऑल ऑफ दी एवव, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, एक कमेंट्स आ रहा था कि क्वेश्चंस कम से कम सर इंग्लिश में करवा दीजिए, तो यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स होंगे टेक्निकल वर्ड्स होंगे वो मैं इंग्लिश में बोल दिया करूँगा, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करना, क्योंकि बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस टाइप करवाना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए है सुपोषित जननी, विकसित धरणी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक अभियान की शुरुआत किया गया, उस अभियान का नाम है सुपोषित जननी विकसित धरणी। इस अभियान को शुरू क्यों किया गया? इस अभियान को शुरू किया गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रमोट करने के लिए, यानी कि इस योजना के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को चलाया गया 8 मार्च 2019 से लेकर 22 मार्च तक। क्या है ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा 2018 से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत में जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं उनको प्रॉपर पौष्टिक आहार मिल सके, इसीलिए जो है किस्तों में इस योजना के तहत में गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया गया योजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना कितनी योजनाओं को मिलकर बनाया गया है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर हेल्थ सेक्टर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल अगर सबसे बड़ा कोई रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलता है, तो 2 स्कीम्स देखने को मिलते हैं जिसमें से एक स्कीम ये क्वेश्चन है और दूसरा स्कीम हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो बताइए, मैंने पहले भी बताया है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना को कितनी योजनाओं से मिलकर, यानी कि कितनी योजनाओं को इसमें समाहित किया गया है? ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 8। ठीक है, चलिए सोच लिए, मैंने पहले भी बताया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 5। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इसका जो अनाउंसमेंट है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का, वो छत्तीसगढ़ कैबिनेट के तरफ से 16 नवंबर को लिया गया, और इसमें 5 योजनाओं को समाहित किया जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 5 योजनाएं किस प्रकार से होंगी, इसमें 2 राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं और 3 जो है आपका राज्य स्तरीय योजनाएं हैं। 2 राष्ट्रीय योजनाएं कौन कौन सी है? एक है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको हम लोग चिरायु के नाम से जानते हैं। 5 योजनाओं को मर्ज किया गया है, कौन कौन से वो ध्यान रखिएगा, मैंने 2 बताया राष्ट्रीय स्तर के और 3 राज्य स्तर के। राष्ट्रीय के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसको चिरायु के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा 3 जो आपका है राज्य स्तरीय योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना और मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। इन 5 योजनाओं को हो सकता है आपसे क्रम में पूछ दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी योजनाएं शामिल नहीं है या शामिल करके बनाया गया है, तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके बारे में,
डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी दिन यानी कि 16 नवंबर को इस योजना के साथ में एक योजना का और अनाउंसमेंट किया गया था। उस योजना का नाम क्या था? उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, मुख्यमंत्री विशेष सहायता स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है आप लोगों के पास में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख। ठीक है, आप लोग सोचिए, तब तक हम लोग इस योजना के बारे में समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, ये एक योजना का विस्तार किया गया है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री संजीवनी सहायता योजना। मुख्यमंत्री संजीवनी सहायता योजना, ठीक है। इसकी अनाउंसमेंट भी 16 नवंबर को हुआ। पिछले वीडियो में भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, ये मुख्यमंत्री संजीवनी सहायता योजना 2001 में एक एक्ट के तहत शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। इसमें प्रावधान ये था कि अगर किसी परिवार के सदस्य को गंभीर बीमारी हो, चूँकि उस बीमारी के कैटेगरी में लगभग 30 बीमारियों को रखा गया था, तो अगर आप मुख्यमंत्री से आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ शुरुआती दौर में 1.5 लाख रुपये तक का प्रावधान रखा गया था कि आपको सरकार से सहायता मिल सकती है। बाद में इस प्रावधान को बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक भी किया गया था, और अभी हाल ही में इसका फिर से विस्तार किया गया 16 नवंबर को, और इसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। और इसके तहत में जो है ये 5 लाख रुपए तक का जो प्रावधान था वो बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख रुपए। और छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा स्टेट है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो किसी परिवार को 20 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? डी होगा, 20 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। दोनों इस साल सबसे बड़ा रिफॉर्म से छत्तीसगढ़ के हेल्थ सेक्टर में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस दिवस को गौठान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, छत्तीसगढ़ नरवा गरवा घुरवा के बाड़ी के तहत में, यहाँ पर एक गरुआ ले लो, गरुआ के तहत में गौठान बनाया जा रहे हैं और काफ़ी प्रमोट भी किया जा रहा है, पूरा इसका नेशनल लेवल पे भी तारीफ हो रहा है। तो इस तरह से संबंधित, गौठान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाने की यहाँ से संभावना बनती है। तो कौन से दिवस को प्रत्येक साल छत्तीसगढ़ राज्य गौठान दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वो है आपका गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा आप लोगों को पता है दीपावली के जस्ट बाद होता है, तो इसी दिन को गौठान दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया है। तो याद रखिएगा, गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित अधिसूचित जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही के उत्तरी भौगोलिक सीमा में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित होगा? ठीक है, यानी कि जो नया अनाउंसमेंट किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौरेला पेंड्रा मारवाही के रूप में एक नया जिला, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नॉर्थ साइड में इसका कौन सा जिला होगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि गौरेला पेंड्रा मारवाही जो जिला है अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। अस्तित्व में नहीं आया है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो अधिसूचना जारी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दावा आपत्ति के लिए जारी की गई है, अभी तक ये जिला इफेक्टिव नहीं हुआ है। हालांकि सरकार के द्वारा ये बता दिया गया है कि इसका भौगोलिक सीमा किस प्रकार से होगा, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से होगा। तो हमने पहले बहुत बार छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर में इस चीज़ को डिस्कस किया है, मैगजीन में भी बहुत बार आया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार से होगा वो समझ लीजिए, नॉर्थ साइड में इसका होगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ तहसील ये कौन से जिले में आता है? कोरिया जिले में आता है। साउथ साइड में दो जिला आएगा यहां पर आपका, बीएसपी और मुंगेली। इस साइड में आपका आ जाएगा कटघोरा तहसील, जो कि कहां आ जाएगा, ये आपका कोरबा में। और इस तरफ आ जाओ इसके वेस्ट साइड में, तो यहां आपको अनूपपुर जिला मिलेगा। ये आपका कौन से राज्य में आ जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है,
तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था उत्तरी भौगोलिक सीमा कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ये होगा आपका कोरिया जिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह आपका ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय निकाय चुनाव 2019 हेतु छत्तीसगढ़ के 13 नगर निगम में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई थी। अभी अभी नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ और शायद आज ही के दिन में इसका रिजल्ट भी आने वाला है, इसका हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। तो इस नगरीय निकाय चुनाव में जो 13 नगर निगम है उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो वो है आपका 4 सीट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका होगा डी। और ये 4 सीट किस प्रकार से है ये हम लोग देख लेते हैं। एक है आपका रायगढ़ का, अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। दूसरा है राजनांदगांव का, वो ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। जगदलपुर को भी महिला के लिए आरक्षित किया गया है और इसके अलावा चिरमिरी को भी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ये दोनों जनरल कैटेगरी तो महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तो इस तरह से ये चारों नगर निगम का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि महिलाओं से संबंधित, अगर महिलाओं के आरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोगों से यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार भिलाई से अलग करके किस क्षेत्र को स्वतंत्र नगर निगम बनाया जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका प्रदेश का 14वां नगर निगम। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, एक बार पढ़ देता हूँ, धमदा, रिशाली, चरौदा या फिर सरूना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी रिशाली सही होगा। ठीक है, ये दुर्ग जिले का 4था नगर निगम होगा। दुर्ग जिले में भी वर्तमान समय में 3 नगर निगम है, कौन कौन सा है, पहला आपका आ जाता है खुद दुर्ग नगर निगम, दूसरा बाद आ जाता है भिलाई नगर निगम और तीसरा आ जाता है चरौदा भिलाई नगर निगम, और चौथा जो बनेगा वो रिसाली भिलाई नगर निगम। और कौन से नगर निगम से अलग करके इसको बनाया जा रहा है, भिलाई से इसको तोड़ के एक अलग नगर निगम बनाया जा रहा है। टोटल भिलाई में कितने वार्ड हैं, 70 वार्ड हैं, 13 वार्डों को अलग करके रिसाली को एक अलग नगर निगम बनाया जाएगा। दावा आपत्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। डिटेल्स पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर वाली वीडियोज़ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 14वां नगर निगम कौन सा होगा और दुर्ग जो एकमात्र जिला है पूरे प्रदेश का वो बन जाएगा सबसे अधिक नगर निगम वाला जिला। कुछ कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक, बोल रहा हूँ ना, बार बार जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसीलिए जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना उसको बहुत ध्यान से रिवाइज करके जाइएगा और हो सके तो इसके आसपास के कुछ कुछ फैक्ट्स को भी क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस का फॉर्मेशन का तरीका अलग है। हो सकता है आपसे CGPSC कुछ और फॉर्मेशन करके इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दे, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार प्रदेश में कितने नए तहसील को स्थापित किए जाने का फैसला लिया गया है। तहसील की हम लोग बात कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट हुआ 15 अगस्त को और गौरेला पेंड्रा मारवाही का भी अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त 2019 को ही। पूरे 25 नए तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है। अब हर महीने हर सप्ताह कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हुआ है कि इस जगह को तहसील बनाया जाएगा, इस जगह को तहसील बनाया जाएगा, तो टोटल 25 का अभी डेटा आया नहीं है। तो यहाँ से बहुत कम चांसेस हैं कि कौन से क्षेत्र को तहसील बनाया जाएगा या अनाउंसमेंट में कौन सा क्षेत्र तहसील बनाया जाएगा, ये चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं पूछ सकता, ये मैक्सिमम चांस है। फिर भी एक बार साप्ताहिक करेंट अफेयर वाला जो वीडियो रहता है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 25 में से जितने भी हो जाएंगे उतने का मैं करवा दूंगा। बस यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए आप लोग अभी इतना ध्यान रखिएगा कि 25 नए तहसील बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य स्लोगन विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई थी। ये एक बहुत आप लोगों में कंफ्यूजन था कि क्या जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्लोगन है विश्वसनीय छत्तीसगढ़ यानी कि क्रेडिबल छत्तीसगढ़, वो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हो गया है, लेकिन अभी तक ये राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है।
राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है, मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ अभी एक अनाउंसमेंट है कि क्रेडिबल छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर इस स्लोगन का गढ़बू नवा छत्तीसगढ़ रखा जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन सी होगा, गढ़बू नवा छत्तीसगढ़। और अगर वर्तमान समय में स्लोगन पूछा जाए तो आप लोग विश्वसनीय छत्तीसगढ़ ही लीजिएगा, और अनाउंसमेंट पूछा जाए तो आप लोगों को गढ़बू नवा छत्तीसगढ़ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधायक निधि को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? ऑप्शन है 1.5 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 2.5 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 3 करोड़ रुपए। तो सबसे पहले समझिए कि ये विधायक निधि होता क्या है। एक विधायक अपॉइंट होता है, वो विधायक को अपने क्षेत्र में काम करना होता है, विकास का काम करना होता है, इसीलिए विधानसभा द्वारा उस विधायक की एक निधि तय की जाती है, हर साल तय की जाती है। तो इससे पहले छत्तीसगढ़ की जो विधायक निधि थी वो 1 करोड़ रुपए की थी, यानी कि हर साल 1 करोड़ रुपए दिया जाता था कि आप अपने आसपास के मतलब एरिया में जिस क्षेत्र में आप विकास का काम कर सकते हैं। इसको बढ़ाकर प्रदेश सरकार द्वारा इस साल कर दिया गया है 2 करोड़ रुपए, यानी कि अब प्रत्येक विधायकों की निधि होगी 2 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से वो अपने क्षेत्र में विकास का काम कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है? ये भी एक बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आदिवासी यानी कि जो लोकल जो कि छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से संबंधित है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर है कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे फैसले प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए हैं, जिसमें से है हरेली, हरतालिका, कर्मा जयंती। ये तीनों ऑप्शन जो है, इन तीनों त्यौहारों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इसके अलावा 2 त्यौहार का नाम यहाँ पर आप लोग और रख लीजिए, सुन लीजिएगा, एक है आपका छठ पूजा और एक है आपका आदिवासी दिवस। पूरे इस साल भर में 5 ये ऐसे दिवस हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फैसला लिया गया है सार्वजनिक अवकाश का, कि इस त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा इस 5 फेस्टिवल्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एवर, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 2019 के अनुसार सरपंच प्रत्याशी हेतु योग्यता होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि जो पंचायतों का चुनाव होता है और पंचायत राज अधिनियम 1993 है, उसमें इस साल बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है। उस अमेंडमेंट में ये ऑप्शन में क्या पूछता है कि 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास या फिर साक्षर, सरपंच प्रत्याशी हेतु योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहले जो था वो 5वीं पास होना चाहिए पंच के लिए, सरपंच के लिए 8वीं पास होना जरूरी है, लेकिन अब इस क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया है और सिर्फ साक्षर होना रख दिया है। यानी कि अगर आप पंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 5वीं पास होना जरूरी नहीं है, सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 8वीं पास पास होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साक्षर हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सिर्फ साक्षर है तो वो चुनाव लड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए घोषणा के अनुसार राम वन गमन स्थलों में से कितने स्थलों का विकास प्रथम चरण में किया जाएगा? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को पता है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत में, जो कि केंद्र सरकार की ये योजना है, उसके तहत में छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का भी एक प्लेस है जिसको डेवलप किया जाएगा, वो जगदलपुर जिला का है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा भी छत्तीसगढ़ में जितने भी राम वन गमन पथ हैं, यानी कि भगवान राम जो है 14 वर्ष वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के जिन जिन महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरे हैं, उनको प्रदेश सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भगवान राम से जुड़ी जितने भी टूरिज्म प्लेसेस उसको डेवलप करने का फैसला लिया है। टोटल 75 जगहों का चयन किया गया है और इस 75 जगहों में से पहले चरण में जो है 8 स्थानों को डेवलप किया जाएगा। 8 स्थान किस प्रकार से हैं, आप लोगों के एक बार स्क्रीन के बगल में है, आप उस 8 स्थान का नाम देख लीजिएगा, या फिर उस 8 स्थान का नाम मैं यहीं पर आप लोग को बता देता हूं। वो 8 स्थान किस प्रकार से हैं, आप लोगों के स्क्रीन के बगल में है, उस 8 स्थान का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आपसे सही मिलान वाले जोड़ी वाले क्वेश्चंस में या फिर निम्नलिखित कितने ऑप्शन सही हैं, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ दे सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ का 11वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आरपी मंडल, दूसरा है सुनील कुमार कुजूर, अजय सिंह या फिर अरविंद सोनी। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाँ, पता है जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था ना कि छत्तीसगढ़ का 11वां मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया,
तो नाम मुझे हर जगह मिल गया था कि आरपी मंडल को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन कौन से क्रम का नियुक्त किया गया है ये मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर एक मतलब कि एक वो हुआ कि जैसे उनका सामने इमेज आया, मैंने इमेज सर्च किया तो वो अपने कैबिन में शपथ ले रहे थे या जो भी हो रहा था, तो उनके पीछे में जो बोर्ड लगा रहता है ना कि इतने सचिव नियुक्त हुए, तो उनके बोर्ड में लास्ट क्रम में लिखा हुआ था आरपी मंडल और उनके सामने में 11वां नंबर था। तो इससे पता चल पाया कि ये 11वें क्रम के जो है मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है आरपी मंडल, अभी आपके 11वें मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, इसके पहले कौन थे? सुनील कुमार कुजूर, उनकी जगह पे इनकी नियुक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के जनसंख्या आंकलन हेतु किनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छबीलाल पटेल, हर्षिता पांडे, नंद कुमार साहू या अजय कुमार, सोचिए इस क्वेश्चन का जवाब। अगर पढ़ा हो तो पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि छबीलाल पटेल आयोग, ठीक है। छबीलाल पटेल आयोग का गठन किया गया है ये पता लगाने के लिए कि आप पता लगाइए कि प्रदेश में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की कितनी जनसंख्या है। इसके अलावा ये भी पता लगाइए कि 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो प्रदेश में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी जनसंख्या किस प्रकार से है। तो याद रखिएगा छबीलाल पटेल आयोग से संबंधित यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस निवासी को राष्ट्रीय महिला आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला है जिनको कि राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है हाल ही में। ऑप्शन है रजनी रजक, मोहन तिवारी, हर्षिता पांडे, अरुणा राय। तो क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, हर्षिता पांडे। हर्षिता पांडे बिलासपुर की रहने वाली हैं और छत्तीसगढ़ के प्रशासन में भी बहुत सालों तक काम कर चुकी हैं, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का सलाहकार, ठीक है। याद रखिएगा हर्षिता पांडे के बारे में, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि हाल ही में किन्हें राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आरपी मंडल, अजय सिंह, सुनील कुजूर या फिर सुब्रत साहू। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहाँ योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। अजय सिंह कौन है? अजय सिंह सुनील कुजूर से पहले जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस ध्यान में रखिएगा। सारे मिक्स क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, जैसे कि आपके से एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये नहीं बोलेगा कि आपसे योजना से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या आपसे अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन डालेगा। तो इसीलिए रैंडमली हम लोग करते चल रहे हैं कि जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे और जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप लोगों से बनना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स में भी लगभग यही स्थिति है, रैंडमली क्वेश्चंस कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ अगर पॉलिटी में कम क्वेश्चंस हो रहे हैं तो समझो कि वो 10 क्वेश्चन से आपके 30 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो आप उसको 10 क्वेश्चन मत आकलन किया करिए, ठीक है। क्योंकि जितनी आसानी से कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जहाँ जो आपका टारगेट है वो कितनी आसानी से हो अचीव हो सके। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि जो आपका रिवीजन सेशन चल रहा है वो रिवीजन सेशन डेली आपको 3 वीडियोज़ आधा आधा घंटे के मिलते हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं होता है। 1.5 घंटे भी आप मैक्सिमम मानकर चलो, आप दिन भर में जितनी भी तैयारी कर रहे हो या अभी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं भी हुई है तो इस 1.5 घंटे के रिवीजन सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत आपको हेल्प करेगा। जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम देकर आओगे उस दिन एग्ज़ाम देकर आने के बाद आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या कहीं भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना हेल्प किया। भरोसा रखिए 1.5 घंटा अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तो 1.5 घंटा निकालिए, रिवीजन सेशन को अटेंड कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जिस तरह से क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगर वो डाउट सही होता है तो सुधार देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1.5 घंटा निकालिए और जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो करकर जाइए। आपने पढ़ लिखा है तो देखिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं या फिर कहां पर कमी रह गई है, तो वक्त है सुधार लीजिए और इस 1.5 घंटे के वीडियोस को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, सुबह 8 बजे पॉलिटी, शाम को 5 बजे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर और रात को 8 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।